के बजाय और कोई बड़े, एक है रियर, चैटल रियरिंग बोल के बोलते थे, चैटल रियरिंग पढ़े होंगे उसको बचपन में आप, कि चैटल्स को पालना, RER, रियर। ओके, रियर का कई मतलब है। एक तो पीछे को रियर बोलते हैं अपन, फोन में दो कैमरे थे ना, एक फ्रंट कैमरा क्या था, रियर कैमरा। ओके, गाड़ी में जो टायर्स रहते, एक फ्रंट व्हील एक है रियर व्हील। यहाँ भी क्या है, रियरिंग का मतलब पालने को बोलते हैं, अलग मीनिंग है इसके। ओके, हैव यू एवर रियर्ड हेंस, हैव यू एवर रियर्ड हेंस, क्या कभी आप मुर्गियां पाले, हैव यू एवर रियर्ड कैट्स, हैव यू एवर रियर्ड रैबिट्स। ओके, कभी कुछ भी। नेक्स्ट, क्या आप कभी बिजनेस स्टार्ट करने का सोचे, वेरी गुड, हैव यू एवर थॉट अबाउट स्टार्टिंग अ बिजनेस। एज आई टोल्ड यू, अनफॉर्चुनेटली अवर टीम टुडे इज नॉट अवेलेबल टू इवेलुएट ऑल द आंसर्स ऑफ ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बट आई कीप टेलिंग यू कि आप लोग लिखते रहिए आंसर्स, आफ्टर क्लास आई विल रीड ऑल द मैसेजेस। ओके, सो डोंट बी डिसअपॉइंटेड इफ समवन इज नॉट करेक्टिंग योर आंसर्स, जस्ट कीप राइटिंग, आफ्टर क्लास आई विल सी ऑल द आंसर्स। चलिए भाई, तो लेट्स कंटिन्यू द कन्वर्सेशन, फिर बात कंटिन्यू करते हैं अपन। खाली बीच में रुका था मैं एक सेंटेंस पढ़ाने के वास्ते। इसी तरह आप भी क्या करना, जब कोई कोई स्टोरी मिली आपको, कोई कॉन्वर्सेशन पढ़े आप, जो भी नया सेटअप आपको एक स्ट्रक्चर दिखा सेंटेंस का, अलग से प्रैक्टिस करना उसकी, आप इतने एग्जाम्पल बनाना तो चीज आपको याद आती है। डू यू गेट मी? चलो लेट्स मूव ऑन। कौन क्या 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 थे नेम्स? मिसेस अलीना, मिसेस सबा, ना मिसेस अलीना, आर यू मैरिड? सवाल कर रहे हैं उनसे, क्या आप शादीशुदा हैं? तुरु बोल रही, यस आई एम मैरिड, यस आई एम मैरिड। अब सवाल ये है कि आपकी शादी हो कितने साल हुआ, यूजुअली पूछते ना भाई, आपकी शादी हो कितनी साल हुई? वेरी गुड, ग्रेट आंसर वजाहत। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड? फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड? अब अनु बोल रही, मेरी शादी हो 6 साल होगा, तो क्या बोलेंगे? फॉर 6 years, आई हैव बीन मैरिड फॉर 6 years, आई एम मैरिड फॉर 6 years, नहीं बोला अपन, आई हैव बीन मैरिड फॉर 6 years। हैप्पीली बोलते, आप यूज कर सकते हो उसको, आई हैव बीन हैप्पीली मैरिड फॉर 6 years, मतलब मैं 6 साल हो गया शादी होके हैप्पीली मैरिड, लाइक उजेर इज हैप्पीली मैरिड फॉर 1 month। ओके, सो फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड? आई हैव बीन मैरिड फॉर सो एंड सो टाइम। शैल आई मूव ऑन? चलिए नेक्स्ट, आप पूछ रहे हैं व्हाट डज योर हस्बैंड डू, अब यूजुअली पूछते ना भाई आपके शौहर क्या करते हैं, सो आंसर दे रहे हैं, सी अ पर्सन कैन डू लॉट्स ऑफ जॉब्स, डिफरेंट जॉब्स, ही कैन रन अ शॉप, ही कैन वर्क इन अ कंपनी, ही कैन हैव हिज ओन बिजनेस, ही कैन वर्क अब्रॉड। तो बहुत से पॉसिबल आंसर्स है, कि आई गिव अ फ्यू पॉसिबल आंसर्स हियर, थोड़े में दिया आप। देखिए, ही वर्क्स इन अ कंपनी, ये बोल सकते हैं आप, ही डज बिजनेस, वो बिजनेस करते, ही ओन्स अ स्टेशनरी शॉप, उनकी एक दुकान है, स्टेशनरी शॉप जाती दुकान है, ओन्स, ही इज अ ड्राइवर, अ टीचर, अ डॉक्टर, अ पुलिसमैन, एन इंजीनियर, यू कैन हैव एनी प्रोफेशन। ये खाली एग्जाम्पल के वास्ते है, कि उन्होंने आंसर दे, उन्होंने जवाब दे रहे हैं, कोई भी एक आंसर हो सकता है इसका। चलिए नेक्स्ट वन, हाउ मेनी किड्स डू यू हैव, सेकेंड क्वेश्चन, अब कितने बच्चे, अब गौर करिए पूरे जो सेंटेंस स्ट्रक्चर में पढ़े सोए पूरे, हाउ मेनी किड्स डू यू हैव, व्हाट डज योर हस्बैंड डू, ये पूरे हम क्लासेस 9, 10, 11 में ये पूरे स्ट्रक्चर हम पढ़े सोए। जो लोग आज नए हैं वो लोग पूरे क्लासेस देखिए, ये स्ट्रक्चर, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस आपको आसान हो आता। ओके, चलिए, हाउ मेनी किड्स डू यू हैव, अब उन्होंने बोला मेरे को 2 बच्चे बोल के बोल रहे हैं, तो यू कैन से आई हैव 2 किड्स, सिंपल। ये थोड़ा अच्छा बोलना है आपको, थोड़ा अच्छी इंग्लिश में बोलना है। यू कैन ऑल्सो से आई एम ब्लेस्ड विथ 2 adorable kids, ओके, अ डॉटर एंड अ सन। आई एम ब्लेस्ड विथ मतलब यू फील लकी, यू फील फॉर्चुनेट टू हैव समवन विथ यू। यू कैन से आई एम ब्लेस्ड विथ अ वंडरफुल मदर, आई एम ब्लेस्ड विथ अ वंडरफुल फादर। ओके, मेरे मेरे किस्मत है कि मेरे शानदार, जाहिर बात है कि पेरेंट्स वंडरफुल रहता, कैसा भी, तो ब्लेस्ड आप यूज कर सकते हैं। अडोरेबल मीन्स लवेबल, क्यूट का सुपीरियर वर्ड है, प्यारे बच्चे बोले ऐसा। आई एम ब्लेस्ड विथ 2 adorable kids, यानी मेरे 2 प्यारे बच्चे हैं, अ डॉटर एंड अ सन। शैल आई मूव ऑन? अपन नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, आर यू अ होम मेकर और अ वर्किंग वुमन? होम मेकर मीन्स हाउस वाइफ, होम मेकर हाउस वाइफ, एब्सोल्युटली सेम। होम मेकर व्हाट डज शी डू? शी स्टेज एट होम, शी टेक्स केयर ऑफ द फैमिली। ओके, शी डज नॉट गो आउट, शी डज नॉट वर्क। होम मेकर या हाउस वाइफ मतलब जो खवातीन घरों में रहते हैं उन लोग को होम मेकर बोलते हैं या हाउस वाइफ बोलते हैं। वर्किंग वुमन, दे डू डबल जॉब, दे टेक केयर ऑफ द फैमिली एज वेल एज दे वर्क आउटसाइड, दे अर्न मनी फॉर द फैमिली।
जो बाहर काम भी करते, तो लोग क्या बोलते हैं, हम वर्किंग वुमन। ओके, तो क्वेश्चन कर रहे हैं, आर यू अ होम मेकर और अ वर्किंग वुमन? तो आंसर क्या करो, आई एम अ हाउस वाइफ, मतलब आई एम होम मेकर। होम मेकर हाउस वाइफ बोथ आर सेम सिनोनिम्स, कि मैं क्या हूं, होम मेकर हूं। नेक्स्ट वन, व्हाट इज योर लेजर टाइम एक्टिविटी? अच्छा क्वेश्चन है, यू कैन आस्क एनीवन। क्या मतलब इसका, आप खाली टाइम पे क्या करते? अब बात इनफॉर्मल डिस्कशन चल रहा भाई, तो क्या पूछते, खाली टाइम पे क्या करते आप? व्हाट्स योर लेजर टाइम एक्टिविटी? तो अभी फिर क्वेश्चन याद कर ले, आप करना क्वेश्चन लोगों से। ओके, यू विल नॉट हैव द सेम कॉन्वर्सेशन विद समवन, एग्जैक्टली नहीं आती। जो भी सेंटेंस आपको नए दिख रहे हैं, जो अच्छे दिख रहे हैं, नोट करके यूज करना आप उसको, उसके अलग अलग सिचुएशन बनाना उसके आप। फॉर एग्जाम्पल, क्रिकेट इज माई लेजर टाइम एक्टिविटी, आंसर दे रहे आप। प्लेइंग क्रिकेट और वॉचिंग क्रिकेट इज माई लेजर टाइम एक्टिविटी। तो व्हाट इज योर लेजर टाइम एक्टिविटी? अब खाली टाइम पे क्या करते, फुर्सत में क्या करते? अब उन्हों बोल रहे हैं कि मैं फुर्सत में या तो टीवी देखती हूँ या बुक्स पढ़ती हूँ। ओके, फुर्सत में मीन्स फ्री टाइम। ओके, एक अच्छा वर्ड है डाउन टाइम कॉल, और एक वर्ड क्या है, डाउन टाइम। डाउन टाइम मीन्स खाली वक्त में। सी आंसर, इन माई डाउन टाइम आई रीड बुक्स और समटाइम्स आई वॉच टीवी। इन माई डाउन टाइम मीन्स वेन एवर आई एम फ्री, वेन एवर आई एम ए लेजर टाइम, सो समटाइम्स आई रीड बुक्स और समटाइम्स आई वॉच टीवी। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ऑफन डू यू वॉच टीवी? ये कह रहे थे याद है अपन, हाउ ऑफन के पूरे कर रहे थे अपन। हाउ ऑफन के आंसर में ऑलवेज, यूजुअली, जनरली, नेवर, हार्डली, सेल्डम, ओके, डेयरली, पूरे पढ़े थे हम। तो वही क्वेश्चन है, हाउ ऑफन डू यू वॉच टीवी? आप कितना टीवी देखते हैं? तो नू बोल रहे हैं, मैं बहुत कम टीवी देखती हूँ। तो कहता बोलेंगे, आई हार्डली एवर वॉच टीवी, या फिर आई सेल्डम वॉच टीवी। ओके, आई रोट द वर्ड सेल्डम हियर, आई सेल्डम वॉच टीवी, मैं बहुत कम टीवी देखती हूँ। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स डू यू वॉच? ओके, आई मिस द क्वेश्चन मार्क हियर, कि आप किस किस्म के प्रोग्राम्स देखते? तो नू क्या बोल रहे हैं कि मैं फनी प्रोग्राम देखती हूँ रिलैक्स करने के लिए। ओके, एवरीबॉडी नोज द मीनिंग ऑफ रिलैक्स। रिलैक्स का मतलब क्या है, आराम करना। ओके, टू हैव कंफर्ट, सुकून लेना। रिलैक्स एक सिनोनिम है अनवाइंड, क्या है वो, अनवाइंड का मतलब रिलैक्स करने को बोलते हैं। असल में आप पिक्चर करो, वाइंडिंग मतलब पूरा वाइंडिंग करते ना भाई, वाइंडिंग तो पूरा गिच्ची कर देना उसको, अनवाइंड पूरा खोल देना। सो अ पर्सन ही डज लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज एवरी डे, सो ही इज वेरी टायर्ड, तो टू रिलैक्स, टू अनवाइंड हिमसेल्फ, अपने आप को खुला करना, समझे आप, रिलैक्स करने को बोलते हैं। ओके, सो आंसर देखिए आप, आई यूजुअली वॉच फनी शोज टू अनवाइंड, टू रिलैक्स। पर ऐसा मैं यूजुअली क्या करती हूँ, फनी वीडियोज देखती हूँ। आई वॉच फनी शोज टू अनवाइंड मीन्स टू रिलैक्स। बीच में क्या करो, मैं आपको एक दो अच्छे न्यू वर्ड डाल रहा हूँ, ताकि जो लोग की लेवल अच्छा है लैंग्वेज का, वो भी कुछ सीख सके बोल के। अदरवाइज अवर टारगेट ऑडियंस आर बेसिक लर्नर्स ओनली, हमारी ऑडियंस बेसिक लर्नर्स ही है, लेकिन जिसको इंग्लिश आती, जो एक लेवल पे है, तो उनके लिए थोड़े वर्ड्स दे रहा हूं मैं, आप नोट करते रहिए लोग। लेट्स मूव ऑन, कन्वर्सेशन अगेन, हाउ ओल्ड इज योर डॉटर एंड डस शी गो टू स्कूल? मतलब आपके दो, एक बेटी एक बेटा बोलते हो रहे थे आप, तो आपकी बच्ची की उम्र क्या है? तो क्या पूछेंगे, हाउ ओल्ड इज योर डॉटर, और क्या वो स्कूल जाती है? बोलते डस शी गो टू स्कूल, ये पूरे पढ़े अपन, शी गोज टू स्कूल, शी डज नॉट गो टू स्कूल, डस शी गो टू स्कूल, डस शी नॉट गो टू स्कूल। ओके, एक तरीके से जितना पूरे पढ़े लास्ट क्लासेस में, पूरा का रिविजन हो रहा है आपका इससे। ओके, ऐसा ही सेम आपको एक होमवर्क में लिख के भी लाना है, कॉन्वर्सेशन आई गिव यू सिचुएशन दूंगा मैं आपको, लिख के लाना है आप लोग। देखिए, तो मैं पूछ रहे हैं, हाउ ओल्ड इज योर डॉटर, आपकी बच्ची जो क्या उम्र है उसकी, एंड डस शी गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाती है? आंसर देखिए, शी टर्न्ड 3 लास्ट मंथ, क्या मतलब, गए सो महीने में 3 साल के हुए उन्होंने, लास्ट मंथ वॉज हर बर्थडे एंड द लास्ट मंथ शी टर्न 3, 3 साल के हुए, शी टर्न बोल सकते अपन। ओके, दिस ईयर नेक्स्ट मंथ आई विल टर्न 30, 29 जो भी है, आई विल एडमिट हर इन स्कूल नेक्स्ट ईयर, मैं क्या करूंगी अगले साल उसको स्कूल में दाखिला करवाऊंगी, विल हैव हर एडमिशन इन द स्कूल। ओके, अब इन बोल रही भाई 3 साल की बच्ची है ना, जल्दी ना होगा आपको, तो क्या पूछेंगे हम, क्या जल्दी नहीं हो गया? अब बनाइए आप, इट इज अर्ली, ये जल्दी है, ये जल्दी नहीं है, इट इज नॉट अर्ली, क्या जल्दी है, इज इट अर्ली, क्या जल्दी नहीं हो गया, इज इट नॉट अर्ली, समझे आप, पूरा फॉलो कर देगा तो पूरा सही सेंटेंस आता आपको।
इज इट नॉट टू अर्ली टू एडमिट हर इन स्कूल? 3 साल का स्कूल डाल सकते, जल्दी ना होगा आपके वास्ते? यूजुअली हमारे पास तो 2.5 साल में डाल देते बच्चों को, फिर भी लेट देम हैव देयर चाइल्डहुड, लेट देम एंजॉय देयर चाइल्डहुड, ओके? तो शी इज आस्किंग इज इट नॉट टू अर्ली टू गेट हर एडमिशन द स्कूल, जल्दी ना होगा? तो आंसर क्या दे रहे, इट इज नॉट ए मेन स्ट्रीम स्कूल, क्योंकि फुल डे स्कूल ना होता है, ये प्ले स्कूल है, दैट इज अ प्ले स्कूल, इट इज लाइक ए पार्क फॉर हर, शी विल गो देयर, शी स्पेंड्स हाफ अ डे ओवर देयर, आधा दिन रहते वहां पे और एंजॉय करके आते. तो शी इज आंसरिंग नो, देयर इज अ प्ले स्कूल इन माई विसिनिटी. विसिनिटी मीन्स मेरे करीब में, नियर टू माई हाउस, ये भी अच्छा वर्ड याद रख लीजिए आप, विसिनिटी. नो इट इज नॉट टू अर्ली बिकॉज देयर इज अ प्ले स्कूल इन माई विसिनिटी, मेरे घर के करीब में एक प्ले स्कूल है, मतलब प्ले स्कूल है खेलने का. एंड इट रन्स ओनली हाफ डे, और कितने दिन चलता हो? हाफ डे, डेली हाफ डे का 9 to 12 खत्म, फुल डे नहीं है छोटी बच्चे के वास्ते. दैट सूट्स हर नीड, जो जरूरत है वो पूरी आती है उससे, ओके? चलिए ये दोनों की बात चल रही, इसमें क्वेश्चंस कौन करें पूरे? मिसेज राणा क्वेश्चंस कर रहे हैं, आंसर्स कौन दे रहे? मिसेज सभा दे रहे हैं. अब चेंज कर देंगे, अब मिसेज सभा क्या बोलते हैं, बहुत होगा आपको, अब मैं क्वेश्चन करती हूँ, ओके? अब उनके बारे में सुनिए, अपन पूरा इमेजिनेशन है, कोई भी रियल नहीं होता इसके अंदर. लेट्स मूव ऑन. तो मिसेज सभा क्या बोल रहे हैं, चलो भाई मेरा तो हो गया, आपके बारे में कुछ बोलिए आप, तो कैसा बोलिए, मेरा तो हो गया, होता ना बातचीत होती हम दोनों की, वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम, हम दोनों फर्स्ट टाइम मिले, हम दोनों बात कर रहे हैं. I told everything about me. You kept asking me. I told everything about me. Now I say, अब मैं बोलता हूँ कि मेरा तो हो गया भैया, आपका बोलिए. So the expressions that to express that feeling, बोलने के वास्ते, that is from me. That's it from me. मतलब मेरा हो गया. Now tell me something about yourself. आपके बारे में कुछ बोलिए. अब शुरू होता है इंटरव्यू मिसेस अलीना का, जैसे चल रहा था मिसेस सभा का, ओके? अब उन्हें आंसर दे रहे हैं. That's it from me. चलो मेरा हो गया. या फिर that's all from me बोल सकते हैं अपन. That's all from me. मेरा पूरा हो गया, आपका बोलिए. अब उन्होंने क्या करें, इन ए सिंगल मैसेज शी इज टेलिंग ऑल हर डिटेल्स, ब्रीफ डिटेल्स, एक मैसेज में पूरा बोल दिया. क्या बोल दिया देखिए आप, वेल आई हेल फ्रॉम हैदराबाद, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम फ्रॉम हैदराबाद बोल सकते हैं आप, लेकिन हेल भी यूज कर सकते हैं आप. आई हेल फ्रॉम हैदराबाद, मैं कहाँ की हूँ, हैदराबाद की हूँ. आई एम ऑल्सो मैरिड, मैं भी क्या हूँ, मैरिड हूँ, बट आई एम अ वर्किंग वुमन. आप में और मेरे में क्या फर्क है, यू आर हाउस वाइफ, आई एम अ वर्किंग वुमन. I too have a daughter and son. और एक सिमिलरिटी क्या है, आपको भी एक बेटा बेटी है और मेरे को भी क्या है, बेटा बेटी है, सेम. ओके, शैल आई मूव ऑन?